Assalamu alaikum all, my name is Asad Iqbal and I welcome all of you on my YouTube channel that is Asad and Ready Skills. उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अपना अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि क्या इंपॉर्टेंट ऐसी सेटिंग है आपके मोबाइल कैमरा की जिसके ज़रिए से आप बहुत एक इंपॉर्टेंट काम कर सकते हो। वो इंपॉर्टेंट काम क्या है वो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपका मोबाइल कहीं पर पड़ा हुआ है, किसी पब्लिक प्लेस में पड़ा हुआ है, या फिर इवन कि आप अपने घर में मोबाइल रखते हैं, अपने ऑफिस में रखते हैं और आप चाह रहे होते हैं कि आपको पता चले कि किस किस बंदे ने आपके मोबाइल को टच करने की कोशिश की है और किस किस ने उसका लॉक ओपन करने की कोशिश की है, तो आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखते हो और जानना चाहते हो, तो आज आप लोगों को ऐसी सेटिंग मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि ऐसी सेटिंग्स हैं कुछ जो कि अगर आप लोग एंड तक नहीं देख पाओगे तो आप लोगों की वीडियो जो है उसका फ़ायदा नहीं होगा और आप लोगों को समझ नहीं आएगी। इसलिए आपने वीडियो को ज़रूर देखना कम्प्लीटली, और चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और चलें हम लेट्स गो टूवर्ड्स दैट टॉपिक दैट इज़ द बेस्ट सेटिंग ऑफ कैमरा। सो हियर वी गो। आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आपने प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पे प्ले स्टोर पर जाना है आप लोगों ने। प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है हु टच्ड माय फ़ोन, राइट, ये आप लोगों ने लिखना है। और लिखने के बाद जब आप इसको सर्च करोगे तो यहाँ पे दूसरी ऐप जो है आपके पास, ये वाली हु टच्ड माय फ़ोन, ये देखें, ये ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल हुई है। इसको आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है। इसकी अगर आप सेटिंग वगैरह आपको नहीं मिल रही तो मैं आपको बता देता हूँ 4.1 इसकी क्या है रेटिंग है, ठीक है, और 1 मिलियन प्लस लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। अच्छी ऐप है, आप इसका इस्तेमाल देखिएगा अभी ज़रा, तो आप लोगों को बताऊंगा मैं। अब ये ऐप मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने सबसे पहले इस ऐप को ओपन कर लिया, सही है। अब जैसे ही इस ऐप को ओपन किया, पहले तो आप लोगों को ये बता दूँ, स्क्रीन अनलॉकिंग मॉनिटरिंग जो है आप लोगों ने इसको ऑन करना है, ठीक है, ये बाई डिफ़ॉल्ट ऑफ होता है। अब उसके बाद नीचे पासवर्ड प्रोटेक्शन जो है इसको आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों के पास क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये है कि पासवर्ड प्रोटेक्शन ना ही रखो बेहतर है, रखना चाह रहे हो आपकी अपनी मर्जी है। नेक्स्ट, कैप्चर्ड इमेजेस पे आप लोगों ने जाना है। कैप्चर्ड इमेजेस पे आप लोग जाओगे तो आपके पास देखो यहाँ पे कोई आपको इमेज फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही क्योंकि अभी तक किसी बंदे ने अभी तक ये मोबाइल बेसिकली लॉक हुआ ही नहीं है, ठीक है। अभी लॉक जब होगा, लॉक होने के बाद जब हम इसको अनलॉक करेंगे तब आपके पास यहाँ पे जो बंदा, अब लेट्स सपोज ये मोबाइल है, इसको मैं लॉक करता हूँ, ठीक है। उसके बाद कोई बंदा जब भी इस मोबाइल के लॉक को ओपन करने की कोशिश करेगा तो उसकी जो स्क्रीन होगी फ्रंट कैमरे से उसकी तस्वीर जो होगी वो आप लोगों को इस ऐप के अंदर यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे अभी तक कोई ऐप नज़र नहीं आ रही तस्वीर आपको, लेकिन जैसे ही कोई ट्राई करेगा आपको मोबाइल उठा के उसका लॉक ओपन करने की, तो उसकी जो इमेज होगी वो कैप्चर हो जाएगी और आपको यहाँ पर नज़र आएगी। इट्स 110% वर्किंग ऐप, आप लोगों को इससे फ़ायदा हो सकता है, इसलिए आप इस ऐप को इस्तेमाल कर सकते हो। दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। आप उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना ज़रूर इस वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आई है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लास्ट में भी बात हमेशा कहता हूँ अल्लाह नेगेबान।